नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, फंक्शन को देखा था कि फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको। उसके बाद हम लोगों ने रिकर्शन देखा था। अब हम लोग देखेंगे स्टोरेज क्लासेस के बारे में। मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लासेस से यहाँ पे कन्फ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा में जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो अलग है, और ये जो क्लासेस हैं स्टोरेज क्लासेस ये अलग है। सी में क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये स्टोरेज क्लासेस बेसिकली क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो किस तरह का वेरिएबल है। आइए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि स्टोरेज क्लासेस क्या है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल एलोकेट किया इंट ए, तो ये क्या करता है, मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर देता है। जैसे मान लीजिए मेमोरी में ये हमारा यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया, और इसका नाम क्या है, ए। सपोज इसका कोई एक एड्रेस होगा, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 1024 इसका एड्रेस है। अब जैसे ए में हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हमने किया ए इक्वल्स टू 10, तो इसकी वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। अब ये जो डिक्लेरेशन है हमारे सामने, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये इंट ए, इस स्टेटमेंट को देख के इस वेरिएबल की तीन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आसानी से बता सकते हैं। पहला, इसका नेम बता सकते हैं, नेम क्या है। वेरिएबल का नेम है ए। दूसरा, इसका साइज बता सकते हैं, साइज है इसका 2 बाइट। और तीसरा, हम इसका बता सकते हैं डेटा टाइप, कि इसमें कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ये तीन प्रॉपर्टी हम आसानी से इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को बता सकते हैं। इसका साइज 2 बाइट। एक चीज मैं बता दूं कि जो 16 बिट का टर्बो सी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में जो इंट का एलोकेशन होता है वो एक वेरिएबल 2 बाइट का होता है, और जो 32 बिट या 64 बिट का टर्बो सॉफ्टवेयर या देवसी वगैरह यूज करते हैं तो उनके में 4 बाइट का एलोकेशन होता है। तो मैं टर्बो सी यूज़ करता हूँ 16 बिट का, इसमें 2 बाइट का एलोकेशन होता है, तो इसका साइज 2 बाइट है, नेम ए है, और डेटा टाइप इसका इंट है, इसमें कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर। दोस्तों, इसके अलावा इसकी 4 प्रॉपर्टीज और होती हैं जो हम बता सकते हैं इसी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए। इसकी 4 प्रॉपर्टीज को और जो होती हैं वो हम बता सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहला होता है आपका दोस्तों, पहला होता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स ये जो हमने ए वेरिएबल एलोकेट किया है, अगर यहाँ पे
इस पोजीशन पे अगर हम इसमें कुछ स्टोर ना करें, यहाँ पे जो हमने ए इक्वल्स टू 10 स्टोर किया हुआ है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। दूसरा होता है स्टोरेज एरिया, इसकी स्टोरेज एरिया कहाँ है, क्या है, ये कहाँ पे एलोकेट होगा, मींस रैम में एलोकेट होगा या सीपीयू रजिस्टर में एलोकेट होगा, स्टोरेज एरिया भी हम बता सकते हैं। तीसरा हम बता सकते हैं इसका लाइफ, इसकी लाइफ क्या है। दोस्तों लाइफ होती है, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम हमारा 10 मिनट तक रन कर रहा है, अब 10 मिनट तक रन करने में बीच में बहुत सारे वेरिएबल होंगे, अब कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिरी तक एग्जिस्ट होता होगा, और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते होंगे जो स्टार्टिंग से आते होंगे, हो सकता है प्रोग्राम की मिडिल में या मिडिल से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हो। तो वेरिएबल की लाइफ क्या है, थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम की लाइफ के बराबर रहेगा या उससे पहले ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये हम लोग बता सकते हैं। चौथा होता है आपका स्कोप, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप होता है आपका ग्लोबल या लोकल, ग्लोबल या लोकल, इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल होगा या लोकल होगा। मतलब ये है कि ये जो इसका स्कोप होगा इसका जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो हर फंक्शन से कॉल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा स्कोप कहलाता है। तो ये चार प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं कि इस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। दूसरा हम स्टोरेज एरिया बता सकते हैं कि ये कहाँ पे स्टोर हो सकता है। तीसरा हम इसका लाइफ बता सकते हैं, और चौथा हम इसका स्कोप बता सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। तो दोस्तों ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि इसके आगे एक कीवर्ड यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो कीवर्ड अगर हमें पता चल जाए तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये जो तीन प्रॉपर्टी हमने बताई, इस तीन प्रॉपर्टी के अलावा ये चारों प्रॉपर्टी भी हम बता सकते हैं। तो इसके आगे जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वही कीवर्ड हमारे स्टोरेज क्लासेस कहलाते हैं, वही कीवर्ड हमारे स्टोरेज क्लासेस कहलाते हैं। और ये स्टोरेज क्लासेस हमारे फोर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ऑटो, दूसरा होता है रजिस्टर, तीसरा होता है स्टैटिक, और चौथा होता है एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रजिस्टर, ऑटोमेटिक रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल, ये चारों हमारे स्टोरेज क्लासेस होते हैं। अगर ये चारों कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर लगा हुआ है, इस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम इस तीन प्रॉपर्टी के अलावा ये चारों प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं कि वेरिएबल में से ये चारों प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या इस वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। तो इसका जो नेक्स्ट आगे कैसे इसको डिक्लेयर करना है, कैसे यूज़ करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
दोस्तों इसको देखिए, समझ में अगर नहीं आता है तो आप लोग हमको मेल कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो भी आप लोग हमको मेल कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।